नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड SI एग्जाम के लिए हमारी ये हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है और इसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी व्याकरण के कंप्लीट टॉपिक कवर करा चुका हूँ। और अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक के MCQ। तो प्रत्येक टॉपिक के लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ताकि आपको ज्ञात हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और आपको बता दें कि अगर आपको उत्तराखंड SI एग्जाम के लिए कंप्लीट हिंदी व्याकरण के नोट्स, क्योंकि 100 नंबर की हिंदी है आपके पास, तो 100 नंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट व्याकरण के नोट्स और प्रत्येक टॉपिक के MCQ भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो लिंक में आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है यहाँ पे चा। अगर हम अघोष वर्ण की बात करें तो कौन कौन होते हैं अघोष वर्ण? जो अघोष वर्ण होते हैं तो स्पर्शी व्यंजनों में जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे चवर्ग में च और छा, यानी पहला और दूसरा वर्ण, ये अघोष होते हैं। और सघोष या घोष कौन होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी चवर्ग में जा, झा और या, वो सघोष कहलाएंगे। और साथ में सभी स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। या व या रा ला और वा भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हा भी क्या होता है? सघोष ही होता है। तो यहाँ पे आ, हा और मा क्या है? सघोष है। और चा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसके संयोग से बना है छा? तो जो यहाँ पे छा दिया गया है वो किसके संयोग से बना है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क और सा के संयोग से बना है छा। अब जो छा है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या होती है चार। कौन कौन से होते हैं? छा, तरा, ज्ञा और सरा। सरा। अब जो छा है ये का और सा के संयोग से बना है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। जो त्रा है ये बना है ता, धन, रा के संयोग से। जो ज्ञा है ये बना है जा, धन, या के संयोग से। और जो सरा है ये बना है तालव्य सा, धन, रा के संयोग से। तो ये चार क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनका संयोग किन किन व्यंजनों से होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी दोस्तों, जो हमारी वर्णमाला जो हिंदी व्याकरण की सीरीज है उसमें मैंने वर्णमाला आपको करा रखा है, कंप्लीट स्वर व्यंजन करा रखे हैं, और उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में आपको ये सारे टॉपिक करा रखे हैं। अगर आपको हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए विद MCQ, ये MCQ उसमें मिल जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कंप्लीट हिंदी व्याकरण नोट्स और प्रत्येक टॉपिक के MCQ भी दिए गए हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है, तो जो स्पर्शी व्यंजन है वो है यहाँ पे था, क्योंकि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं और इनकी कुल संख्या होती है 25। तो था क वर्ग में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं चार। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, इन्हें कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अब इसमें देखो, जो या और वा है इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न बनता है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन कहलाते हैं? तो या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। जो रा है ये है लुंठित, क्योंकि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो जीवन लुढ़कती है, तो ये है लुंठित कहलाता है रा। और ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, क्योंकि जब आप ला का उच्चारण करोगे तो वायु जीवा के पार्श्व भाग से टकरा के गुजरती है। तो ला पार्श्विक व्यंजन है, रा लुंठित है, और या और वा क्या है? अर्ध स्वर है। और ये चारों कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अगला है यहाँ पे, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन है यहाँ पे? वो है ट और डा। तो ये यहाँ पे क्या है? मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से ऊष्म व्यंजन है, तो यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन कहलाएगा वो है यहाँ पे
ए ऑप्शन हा। अब ओस व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो ओस व्यंजनों की संख्या भी होती है चार। एक तो तीनों सा होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा। ये चार क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण से जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक गर्माहट से उत्पन्न होती है वायु में जब इनका उच्चारण किया जाता है, तो इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। तो हा यहाँ पे क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो महाप्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरा, चौथा, और जो पंचम वर्ण होता है वो होता है महाप्राण। अब यहां पर देखो, देखो सभी स्वर क्या होते हैं, महाप्राण होते, तो ये नहीं हो सकता है। छा और झा, तो छा चावर का द्वितीय और झा क्या है चौथा, तो ये महाप्राण है। पा और बा, पा क्या है पहला वर्ण है और बा तीसरा वर्ण है, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या है, तो हिंदी में जो कुल वर्ण होते हैं वो होते हैं 52। इसमें आपका 39 होते हैं व्यंजन, प्लस 13 होते हैं स्वर, 13 स्वर होते हैं, और 39 क्या होते हैं कुल व्यंजन। तो कुल व्यंजन प्लस कुल स्वर कितने होते हैं, कुल 52 होती है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। नेक्स्ट, यहाँ पे निम्न में से संयुक्त स्वर है, तो जो संयुक्त स्वर है यहाँ पे वो है यहाँ पे ए, क्योंकि ए किससे मिलकर बनता है, आ अथवा आ के साथ जब ई अथवा ई का संयोग होता है तो क्या बनता है, ये बनता है ए। तो ए यहाँ पे क्या है, संयुक्त स्वर है, जो दो या दो से, जो दो स्वरों के मेल से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। बाकी आ हो गया, उ, ई, ये संयुक्त स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि सभी स्वर या जो स्पर्शी व्यंजन में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है वो सघोष होता है, तो यहाँ पे स्वर देखो, ई यहाँ पे स्वर है तो ये सघोष हो जाएगा। बाकी क वर्ग में का पहला है, प वर्ग में फा दूसरा है, और च वर्ग में छा दूसरा है, तो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है स्पर्शी व्यंजनों के ग्रुप में तो वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पंचम क्या होता है, सघोष होता है। तो यहाँ पे सब क्या है, पहले और दूसरा, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है, स्वर है, तो ई यहाँ पे सघोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंचम वर्ण कौन सा है, तो पंचम वर्ण है यहाँ पे ण, टावर का ये पंचम वर्ण है ण। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रयत्न के आधार पर जो ला है ये है पार्श्विक ध्वनि, क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो जो वायु होती है वो जीवा के पार्श्व भाग से होकर गुजरती है, जीवा के पार्श्व भाग से टकरा कर गुजरती है, तो इसलिए ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। तो 12 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कंठ ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, देखो यहाँ पे कंठ ओष्ठ्य पूछा गया है, तो कंठ ओष्ठ्य है यहाँ पे ओ। अब ये कंठ ओष्ठ्य कैसे है, देखो आ अथवा आ के उच्चारण, जब आ अथवा आ मिलता है और इसके साथ अगर उ अथवा उ मिल जाए, बड़ा उ मिल जाए, तो फिर बनता है ओ। तो जो आ अथवा आ है ये क्या है, कंठ है, ये कंठ ध्वनि है, और उ अथवा ओ क्या है, ओष्ठ ध्वनि है। तो कंठ धन ओष्ठ ध्वनि के मेल से ही ओ का निर्माण होता है, तो इसलिए ओ को क्या कहा जाता है, कंठ ओष्ठ कहा जाता है। तो कंठ ओष्ठ वर्ण कौन सा है, वह है यहाँ पे ओ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और वैसे मैंने हिंदी व्याकरण की सीरीज में ये डिटेल्स में आपको समझा रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहां से हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, तो मूर्धन्य ध्वनि आपको यहाँ पे बतानी है, तो इसमें यहाँ पे देखो जो सा है ये मूर्धन्य सा कहलाता है, दा यहाँ पे ये है दंती, जो तवर्ग होता है वो दंती वर्ग कहलाता है, चा यहाँ पे क्या कहलाते हैं, तालव्य, तालव्य वर्ग है ये, और जो ए है ये यहाँ पे
कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, क्योंकि आ जो कि कंठ होता है और ई के संयोग से मिलकर बनता है, तो ये कंठ तालव्य, ये क्या कहलाता है, कंठ तालव्य कहलाता है। तो सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य ध्वनि है। अब देखो सा भी तीन प्रकार के हैं, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है, और ये है दंती सा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से अयोग वाह वर्ण कौन सा है। तो अयोग वाह वर्ण है यहाँ पे अंग और आह, दो होते हैं अयोग वाह वर्ण, अंग और आह। अंग क्या है, अनुस्वर, और आह क्या है, विसर्ग। तो अनुस्वर और विसर्ग को अयोग वाह वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या होती है दो, कौन कौन होते हैं, ड़ा और ढ़ा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की संख्या है दो, ड़ा और ढ़ा। नेक्स्ट, यहाँ पे निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन सा है यहाँ पे, तो वाह, मैंने ऊपर बताया था ना आपको, या और वाह, या और वाह को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। और ला यहाँ पे हो गया पार्श्विक, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, और रा यहाँ पे हो चुका है लुंठित, लुंठित वर्ण, और जो सा है ये है संयुक्त वर्ण। तो चारों के बारे में, चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो वा और या है अर्धस्वर, यहाँ पे वा ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 18, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगी यहाँ पे रा, क्योंकि या रा लावा ये चारों वर्ण क्या है, अल्प प्राण है, जबकि स स स हा ये क्या है, महाप्राण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, हा महाप्राण है। ठा क्या है, दूसरा वर्ण है टवर का, तो यही महाप्राण है, और सा, तीनों सा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 19, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या। देखो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, लेकिन मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होते हैं, क्योंकि मूल व्यंजन है 33 प्लस मूल स्वर कहलाते हैं 11। तो टोटल ये हो गया मूल वर्णों की संख्या, मूल रूप से वर्णों की संख्या 44 होती है, और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 39 प्लस कुल स्वरों की संख्या होती है 13। तो ये कितना हुआ, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52, जबकि मूल वर्णों की संख्या 44। अगला है, रा ला का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो रा और ला का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रा और ला का उच्चारण स्थान है दंतमूल। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्राण है यहाँ पे गा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। खा दूसरा वर्ण है, घा चौथा है, तो खा घा, और ठा भी क्या है, टवर का दूसरा है, तो दूसरा चौथा और पांचवा महाप्राण होते हैं, पहला और तीसरा, तो कवर का और गा क्या है, अल्प प्राण है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो सभी जो स्पर्श व्यंजन है वो है यहाँ पे सी वर्ग में। देखो पहले में क्या है, का, केवल का है यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन, रा और ला और हा ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है। स्पर्शी व्यंजन ये का वर्ग से शुरू होते हैं, 25 होते हैं टोटल, और पा वर्ग तक, तो का से लेकर मा तक इनकी संख्या टोटल क्या होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो का, ना, भा और फा ये किसमें आते हैं, स्पर्शी व्यंजन में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो कौन सी है जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो स्पर्श व्यंजन तो ये सभी है, कंठ भी ये सभी है, क्योंकि कवर्ग में आते हैं। अघोष कौन सा है, का और खा क्या है, अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा होता है अघोष। लेकिन महाप्राण कौन सा है, वो है खा, का अल्पप्राण होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 24, दंत्योष्ट ध्वनि कौन सी है। तो दंत्योष्ट ध्वनि कहलाती है यहाँ पे वाह, वाह को दंत्योष्ट ध्वनि कहते हैं, जिसका उच्चारण दंत और औष्ट को मिलाकर होता है। इसके उच्चारण में दंत और औष्ट दोनों का प्रयोग होता है, वाह। जब आप वाह का उच्चारण करोगे तो जो दंत होते हैं वो औष्ट पर क्या करते हैं, होंठों पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, वाह वाह, तो वह क्या है, दंत औष्ट ध्वनि है, इसका ए ऑप्शन है।
25 से निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि यहां पे ला, और रा क्या है? लुंठित ध्वनि है। 26 से निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है यहां पे ला, यारा लावा, तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला और वा, इसमें या और वा क्या है? अर्स्वर है, रा लुंठित है और ला पार्श्विक ध्वनि है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा है इसमें, यह आपको बताना है, यह है ए, क्योंकि जो ई ए बनता है, जो ए बनता है वो जब आ और बड़ा आ प्लस ई अथवा बड़ी ई तब बनता है ए। तो जो आ है, दोनों आ क्या होते हैं, ये होते हैं कंठ है, और दोनों ई क्या होती है, यहां पे ये होती है ई क्या होती है, तालव्य होती है। तो कंठ और तालव्य मिलाकर क्या बनेगा, जब ए बनेगा तो इसलिए इसको कंठ तालव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसलिए जो ए है वो क्या है, कंठ तालव्य है। बाकी जो ओ होता है वो कंठ ओष्ठ होता है, ये भी आपको नोट करना है, ये कंठ ओष्ठ होता है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहां पे संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, वो है ऊ, ए ए ओ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, ऊ यहां पे संयुक्त स्वर नहीं है। 29 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो दंत्य यहां पे जो नहीं है वो है यहां पे या, डी ऑप्शन, क्योंकि जो या है इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, तालु से इसका उच्चारण है तो तालव्य इसको कहा जाता है। बाकी ता क्या है, तवर का पूरा दंत्य वर्ग है तो ता और दा दंत्य है। ला, ला भी क्या है यहाँ पे दंत्य है, दंतमूल। ला को अगर हम बोलते हैं, इसको दंतमूल बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका उच्चारण भी दंत से हो रहा है, तो इसलिए दंत्य में आ गया। पूरा अगर हम इसको स्पष्ट रूप से देखें तो ये दंतमूल इसको कहा जाता है, दंत के मूल से इसका उच्चारण होता है। और ता और दाई क्या है, दंत है, तो दंत से किसका संबंध नहीं है, वो है या का, तो या क्या है, तालव्य, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है यहां पे, टवर्ग, टवर्ग मूर्धन्य व्यंजन है, तो टवर्ग में आते हैं डा और ढा, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे सही आंसर। 31 से निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहां पे घोष वर्ण हो जाएगा मा। 32 से ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो जो ए और ए वर्ण है ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, डी ऑप्शन हो जाएगा ये सही आंसर। 33 से यहां पे निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? अब देखो द्वितीय व्यंजन होता क्या है, तो द्वितीय व्यंजन होता है जब दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहां पे देखो दिल्ली में दो समान व्यंजन ला और ला एक साथ प्रयोग में लाए जा रहे हैं, और ये हो रहा है दिल्ली, इसलिए दिल्ली में क्या है, द्वितीय व्यंजन है, ठीक है। और किसी में यहां पे एक समान वर्ण एक साथ प्रयोग में नहीं लाए जा रहे। 34 से सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, तीनों सा और हा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 35 एक सा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो सा आती है यहां पे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, और चार होते हैं संयुक्त वर्ण, सा तरा ज्ञा और सरा, तरा ज्ञान और सरा, और ये किन किन से किन किन के वर्ण के संयोग से बनते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 36 से निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो 36 का सही आंसर है यहाँ पे ज्ञान, जो कि जा धन या के संयोग से बनता है ज्ञान, तो ज्ञान यहाँ पे क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। 37 है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो चा और छा का उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं चा छा जा और झा और या, इनका उच्चारण तालु से होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है, 38 का आपको बताना है।
तो पहला और दूसरा, तो यहां पे देखो ता, ता क्या है, अघोष होता है, ठीक है। और रा ला और डा ये क्या है, सघोष वर्ण है। 39 से का गा जा फा ध्वनिया किसकी है, तो ये ध्वनिया है आपकी अरबी फारसी की। क्वेश्चन नंबर 40, कौन वर्ण घोष नहीं है, तो यहां पे ता सी ऑप्शन हो जाएगा। 41 से इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का स्पर्शी व्यंजन में पहला और तीसरा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो पहला अल्प प्राण होता है यानी चाय, यहां पे क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और दूसरा ये कवर का दूसरा है, तावर का दूसरा है, पावर का दूसरा है, दूसरा हमेशा महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है, तो यहां पे या, क्योंकि ये अंतःस्थ व्यंजन है, ये का कवर्ग में आता है, चा चवर्ग में, ता तवर्ग में, ये किसी भी वर्ग में नहीं आता है, तो या यहां पे क्या है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है, या इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, और ये स्पर्शी व्यंजन में नहीं आता। घा का उच्चारण स्थान, तो घा किसमें आता है, का वर्ग में आता है, तो इसलिए 43 का हो जाएगा बी ऑप्शन, कावर्ग कौन सा होता है, कंठ होता है। 44 से निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवर्त है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। अब देखो संवर्त कौन कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा, संवर्त विवर्त अर्ध संवर्त अर्ध विवर्त, तो जो संवर्त होते हैं वो होते हैं ई और ई, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई, ये संवर्त वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, संवर्त स्वर। और अगर हम बात करें अर्ध संवर्त की, अर्ध संवर्त, तो अर्ध संवर्त होते हैं ए और ओ। अब विवर्त कौन होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विवर्त होते हैं किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने पूरा आपको समझा रखा है, जो हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो करें, और हिंदी व्याकरण के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उन्हें भी आप डाउनलोड करके आप उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये हो गए, समर्थ है ई और ई, अर्ध समर्थ है ए ओ, विवर्त है आ, और अर्ध विवर्त है आ ए औ, तो इस प्रकार से है, ठीक है। 45 यहां पे, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पे सा, सा तर्रा ज्ञा और सरा, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो उसमें तीन यहाँ पे दिए गए हैं, सा यहाँ पे नहीं होगा। 46 इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसमें भी देखो सा तरा और ज्ञा, इसमें हो जाएगा फा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। 47 से वा का उच्चारण स्थान, तो वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 48 से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ तालु से जिसका उच्चारण होता है वो है यहाँ पे ए, डी ऑप्शन हो जाएगा 48 का। 49 के निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो संघर्षी है यहाँ पे सा 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 हा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 से निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल प्राण यहाँ पे चा। तो दोस्तों वर्णमाला संबंधी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं में से कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको वर्णमाला संबंधी करा चुका हूं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।